7 से 8 लाख के बजट में दोस्तों बलिनो के बेस मॉडल का भी बोलबाला बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं, दो दो बलिनो बेस वेरिएंट आपके सामने खड़े हैं। तो ऐसा क्या खास है इस बलिनो में, वही बात करते हैं दोस्तों आज। वाइट कलर दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि आप अगर आप देखें नॉर्मली तो वैसे हर एक कारों में लास्ट ऑप्शन इसी कलर की बचती है कि जिसे समझ में नहीं आता ना, कन्फ्यूज़न रहती है कलरों में, तो वो कुछ नहीं करता है, सीधे वाइट कलर ही पकड़ लेता है, वही जो है बुक करवा लेता है। तो बलिनो का ये बेस वेरिएंट वैसे तो 6.5 लाख का एक शोरूम में है, ऑन रोड जाते जाते 7.5 लाख में जो है ये मिल जाता है आपको। तो इसमें ना एक तो जिनका बजट थोड़ा एक टाइट सा रहता है, एक तो वो लोग जाते हैं, फिर दूसरे वो लोग जाते हैं जिन्हें इसमें कुछ काम अपने अकॉर्डिंग करवाना जो है हो, तो फिर दूसरे वो लोग जाते हैं इसमें। तो इसमें रिफाइनमेंट भी अच्छी खासी है, माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। वैसे तो क्लेम 20 के आसपास करते हैं, 20-21 के आसपास मिल भी उतना जाता है लोगों को एक्चुअल में, तो ये अच्छी खासी चीज़ है इसमें, क्योंकि रिफाइनमेंट अच्छी है इंजन की। इंजन का स्टार्ट करके ही आपको जो है यहाँ पे रिफाइनमेंट आपको मैं दिखाऊँ। यहाँ पर चाबी आप ये देख रहे हैं, चाबी ऐसी मिलेगी, 2 सेंटर रिमोट लॉकिंग, लॉक अनलॉक का ऑप्शन यहीं से बेस वेरिएंट से ही दे दिया जाता है आपको। यहाँ से इग्निशन जैसी आप ऑन करते हैं, इंजन का हुड भी ओपन करूँगा, फिर आप साउंड सुनना, बहुत ही रिफाइंड आपको इसकी साउंड सुनने को मिलेगी। तो यहाँ से जस्ट क्लच प्रेस करा तो साउंड आप सुनना इसका हुड ओपन करके, क्योंकि रिफाइनमेंट बहुत अच्छी खासी है, सेगमेंट में सबसे अच्छी खासी कह सकते हैं आप इसे, रिफाइनमेंट के साथ में आती बलिनो है। तो ये देख लीजिए, ये रहता है 1.2 लीटर का के सीरीज का डुअल जेट इंजन, 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल वाला। पावर प्रोड्यूस 88 BHP की होती है, 113 Nm टॉर्क के साथ में, माइलेज अच्छा 21-22 का वैसे आसपास बोलती है एआरआई जो है, लेकिन 20 का तो आसानी से लोग ले ही लेते हैं इसमें। ऊपर आपको इंसुलेशन प्रॉपर मिलेगी, तो ऐसा है इंजन वेस का पूरा ये। इसे बंद करके एक बार और साउंड सुनाऊँ ना, तो यहाँ से तो आपको पता भी नहीं लग रहा होगा, थोड़ा रोड की साउंड थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन इंजन की बिल्कुल भी आपको इसमें साउंड सुनने को नहीं मिलेगी। तो यही USP जो है यहाँ पर रहती है, खासकर मारुति के इंजनों की रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी इसमें। तो जिन्हें साइलेंट इंजन चाहिए, माइलेज अच्छी चाहिए, तो वो जो है बलिनो की ओर आ सकते हैं, और ख़ासकर जिनका बजट टाइट है या अपने अकॉर्डिंग कुछ करवाना है इसमें, तो वो बेस वेरिएंट को भी कंसीडर कर सकते हैं 7 से 8 लाख के बजट में। अब फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे बलिनो की, तो ऐसी कुछ लगती है, चेंजेस हुए हैं फेसलिफ्ट से, ये ग्रिल नई चेंज हो चुकी है, हेडलैम्प्स चेंज हो चुके हैं, हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर में दिए जाते हैं, लेकिन हेलोजन इनका जो है थ्रो रहेगा, येलो लाइट वाला थ्रो रहेगा, और यहाँ पर इंडिकेटर दिए जाते हैं, क्रोम की एक स्ट्रिप सी दी गई है। ऊपर वाले वेरिएंट में DRLs मिलेंगे, फॉग लैंप्स इसमें आते नहीं हैं, फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर। फ्रंट में जो है सुजुकी का लोगो ऐसा कुछ दिया जाता है, लाइटें एक बार जला के दिखाई दी जाएँ तो आपको ऐसी कुछ लाइटें इंडिकेटर के साथ में जलती हुई आपको मिलेंगी। साइड फेंडर पर इंडिकेटर मिलता है यहाँ पर, साइड टर्न इंडिकेटर, हेलोजन में ऐसा रहेगा लाइटिंग का थ्रो इंडिकेटर के साथ में। रियर की टेल लैंप्स वो भी देख लीजिए, वो आपको कुछ ऐसी मिलने वाली हैं, ये प्रॉपर LED में जलेंगी, रियर स्टॉप लैंप अच्छी लगती हैं, हेलोजन में इंडिकेटर ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ऐसा मिलता है इसका पूरा लाइटिंग सेटअप। डोर हैंडल्स ये ब्लैक मिलेंगे प्रॉपर। अब ज़रा इंटीरियर में चलें, इंटीरियर की ही बात कर लेते हैं कुछ। इंटीरियर एक सिंपल सा है, ऐसा है आपको देखने को मिलेगा, ऐसा देख रहे हैं आप, चारों पावर विंडो रहती हैं बेस वेरिएंट से, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और साथ ही साथ वन टच आपको जो है अप ये आपको मिल जाएंगी ड्राइवर साइड विंडो, ये देखिए वन टच डाउन भी है, वन टच अप भी प्रॉपर ऐसे मिलेगी एंटी पिंच वाली, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स लगा मेरे को। URBMs आपको बेस में हाथ से ही फोल्ड, हाथ से ही जो है एडजस्ट करने हैं, तो ऐसी मतलब मैं तो इसको ज़रूरी नहीं समझता कि इलेक्ट्रिकली होनी चाहिए, ये इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोल्ड तो आप हाथ से ही कर लें, वो भी आपका काम चल सकता है। बाकी बॉटल होल्डर, स्पीकर के ग्रिल्स, यहाँ पे स्पीकर लगवाना चाहें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, और यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप प्रॉपर मिलेगा, जो कि ट्रैफिक में फ्यूल सेव करने का काम करेगा। हेडलाइट की बीम यहाँ से आप प्रॉपर एडजस्ट कर ही सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो है यहाँ पर आपको जो है फ्यूल लिड ओपन करने का, यहाँ पर फ्रंट का बूट ओपन करने का, पूरा डैशबोर्ड का व्यू ऐसा रहने वाला है,
पूरा डार्क ही थीम है और थ्री टोन लेयर में आ जा रहा है, ग्लॉसी ग्रे वाली फिनिश आ जा रही है यहाँ पे, थोड़ा डार्क नेवी ब्लू वाली और ब्लैक वाली। स्टेयरिंग एक फ्लैट बॉटम है पूरा, सिंपल सा स्टेयरिंग, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में है सिर्फ और सिर्फ, टेलीस्कोपिक के साथ में नहीं है। थोड़ा जो है यहाँ पे क्रोम की फिनिश दी गई है बीच में सुजुकी के लोगों के साथ में। ये आपको हेडलैम्प के स्टॉक्स, ये वाइपर के स्टॉक, बीच में सीमी डिजिटल मीटर कंसोल जिसमें MID आपकी पूरी डिजिटल रहेगी, ट्रिप पे ट्रिप भी, फ्यूल का सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। बाकी सेंटर में आपको आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ेगा इसमें, कोई भी आप म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहें टच वाला या फिर विदाउट टच वाला, तो टच का ही जमाना चल रहा है तो कैमरे के साथ वो आप लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कुछ लोग चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ काम कराना चाहें या फिर जिनका टाइट बजट है तो इसमें भी आप ये ले सकते हैं, क्योंकि रिफाइनमेंट बहुत अच्छी मिल रही है। और एक और चीज़ यार, बेस वेरियंट से ऑटोमेटिक AC मिल जाता है इसमें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को इसमें। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, कप होल्डर्स, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, बीच में आपको जो है पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे आपको स्पेसिंग मिल जाएगी, RMS कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आपको सनवाइज़र, यहाँ पे विदाउट वैनिटी मिरर के साथ में सनवाइज़र मिलेगा, डे नाइट IRVM मैनुअल आपको करने वाला फंक्शन इसमें प्रॉपर इसमें दे दिया गया है। अब रियर में चलें, पीछे की ओर जाएंगे तो पीछे आप ज़रा चेक करते हैं, क्योंकि देखो जिसे रिफाइनमेंट चाहिए वो तो इसे कंसीडर ही करेगा, माइलेज जिसे चाहिए रिफाइनमेंट के साथ में तो प्रॉपर इसे पहले कंसीडर करता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दी गई है, सीटें फैब्रिक में मिलेगी, सीट कवर तो आपको लगवानी ही पड़ेगी इसमें। ये इसके सारे एसेसरीज टूल हो गए। बाकी 2500 mm का व्हील बेस है उसी के आसपास, तो आपको दो लोगों के लिए बैठने के लिए काफ़ी अच्छे जो है कंफर्ट इसमें प्रॉपर मिलने वाला है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस, रियर AC वेंट नहीं आते हैं बेस में। 12 वोल्ट का एक जो है चार्जिंग आउटलेट, आपको जो है पावर आउटलेट प्रॉपर यहाँ पे दे दिया जाता है। तो बेस वेरिएंट बेसिक है लेकिन इतना बहुत बेसिक नहीं है, क्योंकि इंटीरियर में आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक AC मिलता है आपको, जो है सेंटर लॉकिंग मिल जा रही है रिमोट वाली, वो भी दो दो मिल रही हैं बेस वेरिएंट से ही, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैलोजन में मिल जा रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छा जो है आपको फीचर्स इसमें दिया गया है। अब ज़रा एक्सटीरियर को जो है देखते हैं, तो यहाँ पे डोर हैंडल्स जैसा कि मैंने बताया ब्लैक कलर के दिए हैं, ORVMs ब्लैक कलर के दिए हैं। ऊपर रूफ रेल्स कुछ नहीं मिलेगी आपको, वायर एंटीना सिंपल सा दिया है, स्पॉइलर इंटीग्रेटेड आपको मिलेगा, डिफॉगर प्रॉपर यहाँ पे बेस से ही आपको इसमें जो है इंस्टॉल मिलेगा कंपनी से ही। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर बीच में रहते हैं, दो साइड में रहेंगे, टोटल 4 मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर के साथ में। ब्लैक आपको जो है यहाँ पर कुछ पार्ट नहीं रहता, ब्लैक बम्पर भी नहीं है, बॉडी कलर प्रॉपर है, बीच में सुजुकी का लोगो, 318 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस, पार्शियल ट्रे लगवानी पड़ेगी आपको इसमें। बाकी यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है 185/65R15 का, तो ऐसा रहता है दोस्तों बलिनो का ये सबसे बेस वेरिएंट, तो मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस उनके लिए जिनका बजट कह सकते हैं 7.5 लाख का 8 लाख के बीच में है, रिफाइनमेंट चाहिए, थोड़ा बहुत काम भी करवा सकते हैं इसमें, तो वो जो है लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि रिफाइनमेंट अच्छी है और साथ ही साथ उन्हें क्या है माइलेज अच्छा मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग परफॉर्मेंस चाहते हैं जब ना, तो वो आपको थोड़ा मिसिंग इसमें मिलेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए तो फिर वही टर्बो जो है I20 की और आप लोगों को जाना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ साइज़ तो आप जानते ही हैं, वही अंडर 4 मीटर की जो है ये बलिनो आपको जो है देखने को मिलती है, जो कि अच्छी खासी मतलब लेंथ वही आपको 3990 mm की मिलेगी इसमें। व्हील बेस वही आपको जो है 2520 mm के आसपास इसमें मिलता है, थोड़ा 2500 mm से थोड़ा बड़ा है इसमें, तो ऐसा रहेगा पूरा जो है इसका प्रोफाइल जो कि आप ये देख रहे हैं। और साथ ही साथ एक शोरूम मैंने बता दी, ऑन रोड इसकी प्राइस मैंने आपको पूरी बता दी है। तो बेस वेरियंट बलिनो ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग से मतलब लोग पसंद कर रहे हैं रिफाइनमेंट और इसके जो है माइलेज के लिए। 37 लीटर के आसपास जो है पेट्रोल टैंक की इसमें आपको कैपेसिटी भी प्रॉपर आपको इसमें मिलेगी। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो बलिनो के बेस वेरिएंट के बारे में। बेस वेरिएंट खासकर वाइट कलर में भी काफ़ी अच्छा एलॉय के साथ में लगता है, एलॉय अगर इसमें आफ्टर मार्केट अच्छे खासे जो है ब्रांड के लग जाएँ कंसिडर, तो मैं इसे वैसे तो कंपनी से ही एलॉय लगवाएं, लेकिन कुछ होते ना डिज़ाइन उन्हें पसंद नहीं आता कंपनी का तो वो बाहर से भी लगवा लेते तो काम चल सकता है। थोड़ा बहुत इनका जो है आपको इतना ज़्यादा ही जो है से बम्पर पे ब्रेकर्स पे ऑफ रोडिंग पे कुदाना ना अगर आप चाहें से तो ऑलाई लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो बलिनो के बेस वेरिएंट के बारे में। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के
साथ में।